अब हम लर्न करेंगे कि लेयर्स के ड्रॉप डाउन विंडो के फीचर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन विंडो के अंदर फीचर्स हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है प्रीवियस, यानी कि लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने लेयर यूज की होगी उस लेयर्स को हमारी करंट लेयर बना देगा। ईसी हेड हमने लेयर यूज की थी इससे लास्ट टाइम, उससे पहले सीपीयू लेयर्स हम लोगों ने यूज की है, उससे पहले हमने चेयर्स यूज की है, तो ये प्रीवियस लेयर्स मुझे शो करता रहेगा। उसके बाद है हमारे पास चेंज टू करंट लेयर, यानी कि अभी हमारे पास करंट लेयर चेयर है और मैं चाहता हूँ कि सीपीयू ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम करंट लेयर में कन्वर्ट कर दें, तो ये करंट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन चेंज टू करंट लेयर, अब करंट लेयर हमारे पास चेयर है, मैं सीपीयू सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मुझे करंट लेयर में कन्वर्ट करना है, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस एंटर, ये करंट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी ऑब्जेक्ट टू न्यू लेयर, अब कोई ऑब्जेक्ट है मुझे उसको एक न्यू लेयर के अंदर हम लोग ने कॉपी करना है। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करना है, एंटर, और इसके लिए मैं लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ चेयर वाली, देन चेयर लेयर सेलेक्ट हो गई है, नाउ स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, बेस पॉइंट करके मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा विद न्यू लेयर, जो हम लोगों ने नई लेयर उसको सिलेक्ट की थी उसके लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास लेयर वॉक करते हैं हम, यहाँ पे अभी सारे के सारे सिलेक्टेड है, मैं एक एक लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, जीरो लेयर, जीरो लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट बने होंगे मुझे वो शो हो जाएंगे, या फिर डोर का मैं देखता हूँ, डोर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए वो शो हो जाएंगे, चेयर्स हमारे पास शो हो जाएंगी, या फिर सीपीयू हम लोगों ने शो करने हैं, सीपीयू हमारे पास शो हो जाएंगे, ईवी कोर, ऐसे जिस भी लेयर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे उस लेयर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बने होंगे मुझे वही यहाँ पे शो करेगा। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लोग ने बनाए हुए हैं, वही चीज़ मुझे यहाँ पे शो कर देगा। देन क्लोज इट, पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास शो हो जाएगा। अब हमारे पास मर्ज, अगर लेयर्स को, दो लेयर्स को मुझे मर्ज करना है, मैं पे मर्ज कमांड लूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट दिस लेयर, एंटर, और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिस की लेयर्स को मुझे इसके ऊपर फिल करना है। उसके बाद डू यू विश टू कंटिन्यू, अगर मैं यहाँ पे यस प्रेस करूंगा तो ये लेयर्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी, और नो करूंगा तो हमारे पास दोबारा से रिटेन हो जाएंगी। अगेन सेलेक्ट द मर्ज कमांड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड वी प्लेस यस, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मर्ज हो गए हैं, लेयर्स हमारे मर्ज हो गई है। उसके बाद अगर किसी लेयर्स को मुझे डिलीट करना है, डिलीट द लेयर, इस लेयर्स को मुझे डिलीट करना है, इस भी लेयर्स को मुझे डिलीट करना है, इन लेयर्स को मुझे डिलीट करना है, या फिर इन लेयर्स को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड मैं कर रहा हूँ उनको, कंट्रोल जेड। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लॉक्ड लेयर फेडिंग, यानी कि जब हम लेयर्स को लॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे लेयर्स का कलर जो है वो फेड हो जाता है, तो वो फेड हमारे पास कितना हम लोगों ने करना है, फेडिंग रिजल्ट्स, फेडिंग वैल्यू मुझे यहाँ से देनी है, लाइक दिस वन, जैसे मैं यहाँ पे लेयर्स को लॉक करता हूँ, सोचिए मैं सीपीयू लेयर को लॉक करता हूँ, तो सीपीयू लेयर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब फेड हो जाएंगे, हमारे पास फेड हो गए। अब ये फेडिंग को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, लाइक 90% मुझे फेडिंग करनी है, या फिर मुझे फेडिंग 50% रखनी है, या फिर मुझे फेडिंग 20% करनी है, अगेन 50%। और यहाँ पे है हमारे पास लॉक लेयर फेडिंग ऑन एंड ऑफ, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा तो हमारे पास फेड नहीं होगा, यहाँ से कोई वैल्यू जब मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि फेडिंग का ऑप्शन ही मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तब हम यहाँ पे फेडिंग
की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लेयर्स के बाकी के ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं।